बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शाहीन टीवी में आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। दुनिया भर में वैसे कई बीमारियां पाई जाती हैं जो ला इलाज होती हैं। ये बचपन में या बुढ़ापे में कभी भी लग सकती हैं, मगर आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे दो बच्चों से जो अपने माँ बाप से भी ज़्यादा बूढ़े दिखाई देते हैं और इनकी उम्र महज 13 साल और दूसरे बच्चे की उम्र 6 साल है। भारत से ताल्लुक़ रखने वाले ये दोनों बहन भाई खतरनाक बीमारी में मुबतला हैं। इस बीमारी में अपने वालदेन से भी ज्यादा बूढ़े दिखाई देते हैं। भारतीय रियासत झारखंड में पैदा होने वाली 13 साल अंजलि, 6 साल उनके भाई दोनों ही ला इलाज बीमारी जिसे एवेट्स लिग्जा कहा जाता है उसमें मुबतला हैं। और ये बीमारी दाइशी बीमारी होती है जहां पर बच्चे शुरू से ही बूढ़े दिखाई देते हैं, साथ ही साथ इन्हें ही बुजुर्गों वाली अंदरूनी बीमारियां भी लाहक होती हैं। देखने में तो ये बच्चे आम से ही जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर ही जिंदगी की शुरुआत में कई मुश्किलात का सामना होता है। 5 साल कबल 2016 में इन बच्चों की खबर बकायदा तौर पर आलमी मीडिया में शाया हुई। खबर के वायरल होते ही उनके वालदेन ने एक समाजी तंजीम से राबता भी किया था, जिस तंजीम ने बकायदा तौर पर दोनों बच्चों के इलाज के लिए और इसी तरह उनकी जितनी भी अद्वियात हैं उनके खर्च उठाने का ऐलान किया था। कुछ रोज कबल ही दोनों बच्चों की नई तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं, जहां पर उनके वालदेन का कहना है अपने बच्चों की इस हालत पर किसी किस्म का दुख नहीं है बल्कि उन्हें फख्र है। और वैसे भी ये बच्चे स्कूल की ही जिंदगी गुजार रहे हैं, स्कूल भी जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते भी हैं, लेकिन फर्क इतना है कि ये अपने वालदेन से भी ज्यादा बूढ़े दिखाई देते हैं। हम दुनिया भर में इस खबर को बहुत ज्यादा क्या किया जा रहा है और बकायदा तौर पर लोग हैरानगी में मुबतला हैं दोनों बहन भाइयों को देखकर। इलाज मुमकिन है या नहीं ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। ताहम नाज़रीन मोहतरम, ये सारी तफसीलात थी जो शाहीन टीवी ने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा कि यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज आपको मिलती रहे। यूं ही आपका और हमारा साथ बना रहे। शुक्रिया।